और जहां कुछ दिन पहले रेरा ने डॉल्फिन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, वहीं अब डॉल्फिन सिटी प्रशासन के निशाने पर है। कॉलोनी के विकास के लिए अनुमति मांगने पर अपर कलेक्टर ने एसडीओ को कॉलोनी की जांच करने के आदेश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने सावेर एसडीओ को लिखी चिट्ठी में बताया कि मेसर्स रिच इंफ्रा रियलेटर्स के प्रमोद नारायण दास बुब ने सावेर तहसील के ग्राम बजरंग पालिया के खसरा नंबर 12/1/3/1 और अन्य खसरे की लगभग 6.25 हेक्टेयर जमीन पर कॉलोनी के विकास की अनुमति मांगी थी। इस पर आपत्ति आई हुई है। आपत्ति के अनुसार डॉल्फिन सिटी के लिए पहले जो अनुमति दी गई थी उसके अनुसार कॉलोनी का विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है। दी गई अनुमति के अनुसार 6 मई 2019 तक कॉलोनी का विकास पूर्ण हो जाना था, लेकिन न तो काम पूरा हुआ है न ही प्लाटों के कब्जे दिए गए हैं। लेकिन इस बार अपर कलेक्टर ने कॉलोनी की जाँच कर 3 दिन में सावेर एसडीओ से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही बाकी जमीन पर प्रशासन कॉलोनी के विकास की अनुमति देने के बारे में सोचेगा। आपको बता कि कुछ दिन पहले ही रेरा ने कॉलोनी का विकास नहीं होने और नियमों पर खरे नहीं उतरने के कारण डॉल्फिन सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था।